हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका स्नैप वीडियो पे। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ हाई क्वालिटी लीड्स पार्ट टू के बारे में। तो जैसा कि मैंने एक पार्ट वन बनाया था, इसमें काफी अच्छा आप लोगों ने रिस्पांस दिया, काफी अच्छा सपोर्ट भी किया। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट टू बिना किसी टाइम वेस्ट किए। लास्ट वीडियो मैंने जो समझाया था आपको कि पांच इंटरेस्ट फाइंड करने हैं आपको, ठीक है। उन पांच इंटरेस्ट के बाद उस पांच स्टैंड का यूज कैसे करना है वो बताने वाला हूँ। मैं आपको आज एक एग्जांपल भी देने वाला हूँ, जो मैंने स्टडी समझाई थी उस दिन उसका मैं एग्जांपल देने वाला हूँ। एंड जो मैंने आपने शायद अगर मेरी वीडियो नहीं देखी है तो माई पर्सनल स्ट्रेटेजी वाली मेरी वीडियो है, आपको थंबनेल दिखाई भी दे रहा होगा उस वीडियो का। ये वीडियो जाके देखिए, आपको इसमें भी काफी काफी ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हमारे डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर। अगर आप मेरी माय पर्सनल स्टडी वाली वीडियो देखेंगे, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि मैंने एक कैंपेन, ठीक है, और उसमें तीन एड सेट, ठीक है, एड सेट एंड उसके अंदर मल्टीपल एड्स के बारे में बताया था, ठीक है, कि मल्टीपल एड्स करके मैं इनको सीबीओ में रख देता हूँ। ये मैंने इनको बताया हुआ था, शॉर्ट में आपको पूरा जो है वीडियो समझा दिया, फिर भी लेकिन आप जाके देखिए क्योंकि उसमें मैंने और भी काफ़ी चीज़ों के बारे में बात किया, ठीक है। तो ये मैंने समझाया हुआ था और इसका मैं आज आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। मैं कोई भी इंडस्ट्री हो, आप मेरे पास कोई भी ऐड ले आइए, मैं कुछ दिनों के टेस्टिंग के बाद उसमें 100% रिजल्ट ले ही आऊँगा, ठीक है। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं ज़्यादा इन डेप्थ नहीं आता, इनसाइट वगैरह ग्राफ वगैरह इतना मुझे देखने का शौक भी नहीं है, ना ही मैं देखता हूँ। मैं सीधे रिजल्ट देखता हूँ कि रिजल्ट क्या है, अगर लीड्स है तो लीड्स में बात करने पे क्वालिटी क्या आ रही है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंपल सा मेथड है, जहाँ से मुझे रिजल्ट आएगा वही मेरी स्ट्रेटेजी है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, पहले तो एक यहाँ पे मैंने जब मैंने पार्ट वन बनाई थी ये एड स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 36 लीड आई है, ठीक है। अब इस लीड की कॉस्ट दिखाता हूँ मैं आपको, इस लीड की कॉस्ट है 47 रुपीज, ठीक है। टोटल स्पेंड किया हमने 1600 रुपीस, ठीक है, सॉरी 1700 रुपीस स्पेंड किए। अब सेकेंड चीज आपको क्या देखनी है, सीपीएम देखना है, ठीक है, कि सीपीएम क्या रहा है, ठीक। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ कस्टमाइज में एंड यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ सीपीएम, ठीक है। सीपीएम क्या होता है, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, ठीक है जी। मैं इसको अप्लाई करता हूँ एंड यहाँ पे देखता हूँ 79 रुपीस, ठीक है। मैंने अगर आपने स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देखी तो उसने बताया था कि जो हमारा सीपीएम है वो 100 के नीचे होना चाहिए, तभी हमारा ऐड अच्छा है, वरना आपको ऐड की क्रिएटिव चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ऐड की क्या चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, क्रिएटिव, क्योंकि सीपीएम जो है पूरा डिपेंड करता है कि लोग आपकी ऐड सही लोगों तक पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है, और उस सही लोगों तक आपकी जो आपका सर्विस है वो सही से डिलीवर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। चलिए, एक कैंपेन, तीन एड सेट, यहां पे आप देख सकते हैं तीन एड सेट, ठीक है, ये मैंने बताया हुआ था। एंड ऑडियंस दिखाऊं कि आप लोग को नहीं दिखाऊं, चलिए एक काम करता हूं, चलो दिखा देता हूं ऑडियंस, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, हम ऑडियंस भी देखेंगे इसका, और मैंने क्या कहा था, आप अगर ध्यान से सुन रहे होंगे, अगर मैं पार्ट वन देखे होंगे तो मैंने क्या कहा था, पांच इंटरेस्ट के बारे में बताया था, फाइव इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। थ्री एड सेट एंड एक एड सेट में कोई भी टिक करता हूँ एंड मैं चलता हूँ एड्स लेवल पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन इमेज मैंने टेस्ट किया हुआ है, एक दो और तीन, और यहाँ पे आपको देखने को क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे मेरे इमेज टू और इमेज वन में कोई भी लीड्स नहीं आई हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ, ये लीजिए मैक्सिमाइज कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी एक ही इमेज में 24 लीड्स आई है, ठीक है। वहीं अगर मैं सेकेंड वाली ऐड की बात करूं जो मेरा एक्टिव था जिसको मैंने बंद किया, उसमें भी एक लीड नहीं आई थी और मैंने सिंपली उसको बंद कर दिया, ठीक है। यहां पे मैं सेकेंड ऐड की बात करूं और इसमें दिखाऊं आपको, इसमें भी आप देख सकते हैं मेरे एक इमेज में लीड्स आई हैं, बाकी में लीड्स नहीं आई हैं, ठीक है। तो सिंपल इस तरीके से मुझे ये पता चला है कि ये ऑडियंस मेरे लिए बेस्ट है। अब यहाँ पे भी आ सकते हैं, एक में 12 लीड आई है, एक में 14 लीड आई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा, एक में 42 रुपीज़ में लीड आई है, एक में 55 रुपीज़ में लीड आई है, कोई बात नहीं, मैं ऑडियंस को दोनों में टेस्ट करूंगा कि कौन सी ऑडियंस मेरे लिए बेस्ट है, देन उसको आगे कंटिन्यू करूंगा मैं, ठीक है। एंड यहां पे मैंने क्या किया, इस पे एडिट पे क्लिक किया, चलिए कोई बात नहीं, रिवील करते ही हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब यहां पे मैं चलता हूं ऑडियंस सेक्शन पे, ठीक है, ये जो भी
अब लोकेशन देखिए, लोकेशन कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ठीक है, आप लोकेशन जो चूज करते हैं वही लोकेशन चूज करिए, एज आपके सर्विस के हिसाब से जो लोग को रिक्वायरमेंट है वो लोग को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डेमोग्राफिक, ठीक है, ऑडियंस थ्री की बात कर रहे हैं हम लोग, डेमोग्राफिक क्या है, नल, कुछ भी मैंने कुछ भी टारगेट नहीं किया है, ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी वाली जो वीडियो है उसको देखने से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, मैंने कुछ भी टारगेट नहीं किया है, ये मेरी ऑडियंस थ्री है, याद रखिए ऑडियंस थ्री। ऑडियंस वन के बारे में बात करते हैं, ऑडियंस वन में क्या क्या रखा हुआ है मैंने यहाँ पे देखिए, होम इंटीरियर डिजाइनिंग, होम रिपेयरिंग, होम अप्लायंसेस, इंटीरियर आर्किटेक्चर, होम, होम कंस्ट्रक्शन, होम डिजाइन, डेकोर एंड होम, ठीक है, इसमें से दो तीन जो है वो सिमिलर है, एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे होम अप्लायंस सॉरी इंटीरियर डिजाइन है और इंटीरियर आर्किटेक्चर है, दोनों मिलते जुलते हैं, और डेकोर होम ये भी मिलता जुलता है, ठीक है, होम से रिलेटेड तीन चीज़ हैं, वो तीन चीज़ें मिलती जुलती, तो यहाँ पे अप्रॉक्स 5 to 7 मैंने यहाँ पे जो है इंटरेस्ट टारगेट किया हुआ है, ठीक है, 5 to 7 एक हेडसेट में। एंड यहाँ पे ऑडियंस टू के बारे में बात करता हूँ मैं, ऑडियंस टू में भी आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5 टोटल, इसमें मैंने 5 इंटरेस्ट टारगेट किए हैं और यहाँ पे मुझे रिजल्ट आए हैं, ठीक है, 3 में कोई भी टारगेट नहीं था, 1 और 2 में टारगेट था, मैं कट करता हूँ इसको। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 3 जिसमें मेरी 24 लीड आई है, 2 जिसमें मेरी 12 लीड आई है और 1 जिसमें मेरी लीड नहीं आई है, ठीक है, तो मेरे लिए कौन सा बेस्ट हुआ, दोनों में पहले बात करेंगे, ऐसा बेस्ट नहीं बता सकते ना हम लोग, ठीक है, पहले उनको बात करेंगे फिर क्या रिजल्ट आता है, कैसा रिस्पांस देते हैं, रिजल्ट आने इंपॉर्टेंट नहीं है, सही लोगों तक हमारी ऐड पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ठीक है, हो सकता है इनको अभी रिक्वायरमेंट ना हो लेकिन ऑडियंस हमारी सही होगी, ठीक है, तो ये चीज़ें हम पता करनी पड़ती है, वो तो सेल्स वालों का काम है, वो सेल्स वाले आपको बता देंगे कि अच्छी है कि नहीं है, ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ हमारा जो था, मैंने जो आपको कहा था लास्ट वीडियो में वो आपको मैंने इस वीडियो में प्रूफ किया, ठीक है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको 2 मिनट आप लेना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा ई कॉमर्स का जो है ऐड है, ठीक है, एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 31 परचेज, 55 परचेज, 65 परचेज, एंड जो परचेसिंग कॉस्ट है 83 रुपीज़, ठीक है, 188 रुपीज़। यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इसको कस्टमाइज करते हैं, ठीक है, कस्टमाइज करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ ROAS, ठीक है, परचेस का ROAS एंड अप्लाई, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7.8 का, 4 का, 15 का ROAS, ठीक है, 3 का, 4, 7 का, 12 का, एंड यहाँ पे 19 का ROAS, 28 का ROAS, तो ROAS तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, इसकी वीडियो तभी आएगी जब मेरे चैनल पे 3500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ठीक है, चलिए काम और करते हैं, यहाँ पे अपने चैनल पे चलता हूँ मैं सीधे अपने, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना सब्सक्राइबर ऑन कर देता हूँ, जो अभी तक हाइट था उसे मैं ऑन कर देता हूँ, ओपन कर देते हैं यहाँ से, सो सब्सक्राइबर काउंट एंड यहाँ पे सेव, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ हमारे कंप्यूटर पे, एंड ये हमारा चैनल है, ठीक है, ओके, तो ये हमारा चैनल है और मैंने यहाँ पे अपना सब्सक्राइबर जो हाइट था उसको ऑन कर दिया है, अभी मेरे चैनल पे हैं 2.96 के सब्सक्राइबर्स, अगर ये 3.5 के हो जाते हैं तब मैं ई कॉमर्स के ऊपर वीडियो लाऊंगा, ई कॉमर्स के ऊपर प्रॉपर इन डेप्थ वीडियो लाऊंगा ताकि आप हर कोई ई कॉमर्स सीख सकें और जो भी हिडन चीज़ें हैं जो बाकी लोग पेड कोर्सेज में बताते हैं वो मैं आपको फ्री में बताने वाला हूँ, ठीक है, तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपके काम की है, तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आगे प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। चलिए तो अब क्या करना क्या है मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर आपने 5 है सब्सक्राइबर या सॉरी सब्सक्राइबर कह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, जब तक करेंगे नहीं आप लोग सब्सक्राइब तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको मिल गया 5 इंटरेस्ट मिल गया, 5 to 7 इंटरेस्ट मिल गया आपको सपोज करते हैं, ठीक है, आपने जो बजट लगाया था CBO में लगाया था, चाहे वो आप ABO में लगाए थे, ठीक है, आपने जो बजट लगाया था वो 1000 रुपीज़ के अराउंड लगाया था, ठीक। अब आपको करना क्या है, मैं आपको सिंपल सा थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ठीक है, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिएगा, ठीक है, 5 to 7 इंटरेस्ट है। अब क्या है, आपने ना 5 इंटरेस्ट डाले, ठीक है, 5 इंटरेस्ट डाले, सपोज करते हैं आपने यहाँ से जनरेट किया 10,000 रुपीज़ जनरेट किया, ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं, आपने लीड करी 1000 रुपये की लीड करी, 5 इंटरेस्ट डाले आपने, और आपको कितने लीड्स आए, आपको लीड्स आए सपोज करते हैं 50 लीड्स आई, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक लीड की कॉस्ट कितनी पड़ गई, 20 रुपीज़, ठीक है,
लीड की कॉस्ट 20 रुपीज पड़ गई, ठीक है, कॉस्ट एंड लीड। ठीक, अगर यहां पे 5 इंटरेस्ट लिए मैंने 1000 रुपीज में, 50 लीड्स आई, 20 लीड्स आई, अगर मैं एक काम करूं कि ये 1000 रुपीज को मैं डिवाइड कर दूं ये 5 इंटरेस्ट में, लाइक इंटरेस्ट 1, इंटरेस्ट 2, इंटरेस्ट 3, इंटरेस्ट 4, इंटरेस्ट 5, ठीक है, ये मैंने 5 जो है इंटरेस्ट जो है अलग अलग कर दिया। थोड़ा सा देखिए, मैं वो PPT वाला सिस्टम नहीं है मेरा, ठीक है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा ये जो लाइन है सीधा विधा, ठीक है, उसका। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, इन 5 इंटरेस्ट को अलग अलग कर दिया। अब मैंने सब ऐड में क्या कर दिया, 200 रुपये डाल दिया, जो मैं यहाँ पे 1000 रुपये दे रहा था सर, मैं यहाँ पे 200 रुपये डाल दिया, ठीक है, सब ऐड में 200 डाल दिया, सिंगल इंटरेस्ट और कुछ भी नहीं, सिंगल इंटरेस्ट, और मैंने सब में 200 रुपये डाल दिया। अब सपोज करते हैं एक और सिनेरियो लेते हैं, यहाँ 50 लीड आई आपको, ठीक है, आई 50 लीड मान चलते हैं, लेकिन आपको ये अगर अलग अलग करने से आपको ये पता चलता है कि जो इंटरेस्ट 1 है आपका, इसमें से 20 लीड आई, इंटरेस्ट 3 से 10 लीड्स आई, और यहाँ से 5 लीड्स आई, और इंटरेस्ट 2 से लीड्स ही नहीं आ रही है, ठीक है। तो सिंपल आप इंटरेस्ट 2 को हटा दो, अब कितने बचे आपके पास, 1, 2, 3, 4 लीड्स बस, 4 बची और आपके 200 रुपये भी बचे, समझ पा रहे हैं आप, आपके 200 रुपये भी बचे। अब आप एड रन होने दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा इंटरेस्ट आपके लिए है। एक इंटरेस्ट में मैं आपको बताऊं, अगर सिंपल से वर्ड से बताऊं तो 10 करोड़ से भी ज़्यादा ऑडियंस होती है एक इंटरेस्ट में, ठीक है, तो आप 10 करोड़ में से एटलीस्ट 10,000 तो आप ले सकते हो, 10,000 लीड्स आप निकाल सकते हो ईजिली। मैं 10 करोड़ ऑडियंस कम कह रहा हूँ, ठीक है, आप यहाँ पर थोड़ा समझ पाएंगे आपको करना क्या है, फिर समझा देता हूँ, हो सकता है आप समझ ना पाए हो। ये जो आपके 5 इंटरेस्ट थे, 1000 रुपये खर्च करे थे, अब आपको क्या करना है, इन 5 इंटरेस्ट को अलग अलग कर देना और सब में 200 रुपये लगा देना, 200, 200, 200, 200। अब इससे आपको पता चलेगा कि किसमें लीड आ रही है, किसमें नहीं आ रही है। यहाँ पे जो इंटरेस्ट आपकी प्राइस बढ़ा रही थी उस इंटरेस्ट को सिंपल कट कर दो, खत्म कर दो, नहीं चाहिए हमें वो इंटरेस्ट, ठीक है, जरूरी नहीं कि ये 5 के 5 इंटरेस्ट में लीड्स आ रही होंगी। तो ये करना है आपको उन आगे जो आपको इंटरेस्ट मिले हैं उनके साथ, ठीक है, टेस्टिंग करिए जबरदस्त तरीके से, आप लीड जनरेट कीजिए, कोई भी इशू होता है सपोर्ट नंबर मैसेज करिएगा, कॉल नहीं, क्योंकि शूट वगैरह करते रहते हैं, काफ़ी सारे बिजी रहते हैं, डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, और हो सकता है आपका कॉल भी ना उठे, ठीक है, ऐसा हो सकता है, उस से आप मैसेज कर दीजिए, आपको रिस्पॉन्स कभी ना कभी मिल जाएगा, कभी ना कभी उन दस उस डे में कभी ना कभी आपको मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था सिनेरियो, नेक्स्ट टारगेट है हमारा 3500 सब्सक्राइबर होंगे तब मैं ई कॉमर्स के ऊपर प्रॉपर वीडियो लाऊंगा कि किस तरीके से आपको वीडियो लाना है। एक चीज़ मैंने दिखानी भूल गई अभी, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ मैं अपने एड्स में, और इस एड्स में क्लिक करके मैं आपको प्रीव्यू भी दिखाता हूँ, अभी तक यहाँ तक दिखाया था, प्रीव्यू भी दिखाता हूँ बिल्कुल आपको, ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये हमारे एड का प्रीव्यू है, ये देखो सिंपल, ठीक है, यहाँ पे लर्न मोर का यूज़ किया है मैंने, हेडलाइन ये यूज़ किया है, और यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से अपना जो टेक्स्ट है वो यूज़ किया, ठीक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।